अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है हमारी हरी मिर्चों के पकोड़ों के ऊपर। तो चले हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उससे पहले चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को पूरी देखिएगा। हरी मिर्चें हमने ले ली हैं, उन्हें बीच में से कट लगा कर हमने बीज निकाल दिए हैं। एक बाउल में हमने आधा कप लिया है सूखा धनिया पाउडर, और इसमें हम डाल रहे हैं हाफ टेबल स्पून नमक का और हाफ़ टेबल स्पून वन टी स्पून हम डाल रहे हैं लाल मिर्ची का, और हाफ़ टी स्पून डाल रहे हैं गरम मसाले का, और हमने यहाँ लिया है 1/4 कप सिरका यानी विनीगर। पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आप इसमें सिरका ऐड कर इसे मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारा सिरका इसमें डालकर विनीगर डाल के इसे मिक्स कर लिया। अब हम इन मिर्चों के अंदर ये मसाला अपना भरते जाएंगे, ठीक है, और वीडियो को लाइक करते जाएंगे, साथ साथ कमेंट्स भी देते जाएंगे, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देंगे। जी, सारी हरी मिर्चें हमने भर ली हैं इस तरीके से, अच्छी तरीके से आपने ज़्यादा ज़्यादा इसमें मसाला भरना है। जी, तो सारी मिर्चें हमारी भरी गई हैं, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके बेसन की तरफ। बेसन हमने लिया है, यहाँ पे 2 कप बेसन लिया है, 1 एंड 2 दो कप बेसन लिया है, और इसमें अब मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ नमक। मीठा सोडा डाला है या बेकिंग पाउडर, इसमें मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, और अब मैं इससे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूँगी और इसके बाद इसमें पानी डालकर इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना, इस तरीके से होना चाहिए, इतनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं और बहुत ज़्यादा पतला नहीं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम ये मिर्चों जो हमने भर ली थी, जो स्टफ्ड हमारी मिर्चें हैं, इन्हें हम लगाएँगे बेसन और गर्म ऑयल में डालते जाएँगे इस तरीके से। और गरम ऑयल में देखिए हमने सारी मिर्चें डाल ली हैं। एक साइड से थोड़ी सी जब लाइट ब्राउन सी हो जाएंगी तो हम इसे पलट देंगे, ठीक है, पलटते जाएंगे और इनको लाइट ब्राउन करते जाएंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने सारी मिर्चों को पलट दिया है, ये देखें। अब जब दूसरी साइड से भी हो जाएगी तो हमारी मिर्चें बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। आपने लो फ्लेम पर इसे पकाना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं। ये मिर्चें रेडी हो गई, मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया। कैसी लगी? तो जी, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, रेसिपी समझ आई है? इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी है और जल्दी से बन जाती है। इफ्तार के लिए भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।